ंगर्स माइ ने मिज़वान चीमा आई वेलकम बैक विद अदर वीडियो ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी और आज के इस वीडियो में आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी का जीरो पॉइंट से जो डिस्टेंस है नंबर वन वो एक्सप्लेन करूंगा और डिस्टेंस के साथ साथ आपको जीरो पॉइंट से कितना टाइम रिक्वायर्ड है या अगर आप लेट से कैपिटल स्मार्ट सिटी का मोटर से एंटर होते हैं तो आपको क्या टोल पे करना पड़ेगा या नहीं पे करना पड़ेगा तो इस हवाले से भी आपको इस वीडियो में डिटेल्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा तो सबसे पहले बात करते हैं जीरो पॉइंट से अगर आप स्टार्ट करते हैं जीरो पॉइंट को क्यों सेंटर पॉइंट रखा जाता है क्योंकि इस्लाबाद एक प्लान शहर है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान प्लान शहर में एक सेंटर पॉइंट रखा जाता है जो जीरो पॉइंट कहलाता है इस्लाबाद का यहां से जब इस्लाबाद को 1958 में कैपिटल बनाया गया था तो तमाम एरियाज का डिस्टेंस यहाँ से मैयर किया जाता था कि यानी यहाँ से सेक्ट्रेट कितनी दूर है यहाँ से बाकी हॉस्पिटल्स कितनी दूर हैं गवर्मेंट हॉस्पिटल्स यहाँ से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कितनी दूर हैं तमाम चीजों को उसी के इर्द गिर्द अलाइन किया जाता था तो इसलिए जीरो पॉइंट की अमियत प्लान सिटी के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जीरो पॉइंट से अगर आप ट्रेवल करते हैं कश्मीर हाईवे जिसका नया नाम है श्रीनगर हाईवे श्रीनगर हाईवे आप ट्रैवल करते हैं सबसे पहले आपके राइट साइड पर जी एट आता है और लफ्ट साइड पर आपके एच एट आता है और फिर उसके but सीक्वेंस में आगे G9, G10, G11 टेन जी और लेफ्ट साइड पे आपकी आपकी H8, H9, H10, H11, H12 और उसके बाद आगे सोफार एंड सोन चलता रहता है और यही कश्मीर हाईवे श्रीनगर हाईवे डायरेक्टली जाके लिंक करता है विद द मेन M2 मोटरवे ऑन द पॉइंट ऑफ भामरा भरा इंटरचेंजेस कहते हैं जहाँ से अगर आप राइट टू राइट की साइड जाते हैं तो आप एम मोटरवे पिशावर निकल जाते हैं और लेफ्ट साइड पर जाते हैं अगर आप तो आपको डायरेक्टली एक्सेस मिलती है लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे की तो ये ओवरऑल एक जेनरिक्स

आपको इसलिए इतना कम टाइम लग है अगर आप 200 की स्पीड पे जाते हैं देखें अगर थर्टी किलोमीटर का डिस्टेंस है और अगर आप 100 की स्पीड पे भी जाते हैं तो तकरीबन आपको 19 से 20 मिनट्स रिक्वायर्ड हैं साइड पर पहुंचने के लिए यानी कि अगर आप डिस्टेंस काउंट करें डिस्टेंस के आप पर मिनट कॉस्ट निकाल लेते हैं पर मिनट टाइम निकाल लेते हैं सॉरी कि आपको पर मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं तो लेट से थर्टी किलोमीटर है और आप उसको कवर करते हैं सिक्सटी की स्पीड पर अगर जाते हैं तो थर्टी एट मिनट हो गए अगर आप नॉर्मल स्पीड पर जाएँ और अगर आप लेफ्ट से जी हंड्रेड की स्पीड से जाएँ तो तकरीबन आपका डिस्टेंस ट्वेंटी मिनट्स पर हो जाता है फॉर द टाइम भी मैं आगे जाकर वो जब गूगल अर्थ पर लोकेशन एक्सप्लेन करूँगा तो तब मैं तमाम चीज़ें तब एक्सप्लेन कर दूँगा करंटली मैं जी टी रोड पर जो जहाँ पे जी थर्टीन और जी एच थर्टीन का पॉइंट बनता है उस पॉइंट से ही गुजरा हूँ जहाँ पर आपको जी टी रोड से राइट साइड पर अगर जाएँ तो आपको पिशा की तरफ ग्रैंड ट्रंक रोड मिलता है और उससे आगे दोबारा कश्मीर हाईवे कंटिन्यू करती है और कंटिन्यू करने के साथ साथ जाके भामरा के पॉइंट पर मैच करती है लेफ्ट साइड में मेरे भी एटीन सोसाइटी है एटीन इस्लाम का वन ऑफ़ द फाइनेस्ट ब्रांड है क्योंकि लग्जरी के लिहाज से गोल्फ कोर्स के नेबरहुड में सारा कुछ मैनेज किया गया है, तो इस लिहाज से 18 को भी एक्सेस जो है डाउनटाउन इस्लामाबाद से अराउंड बीस किलोमीटर के आसपास की टाइम फ्रेम बनता है उसका और उसके साथ साथ बिल्कुल आगे भामरा इंटरचेंज बनती है जहाँ से वो कश्मीर हाईवे वे बशमूल कश्मीर हाईवे के मोटरवे का भी एक्सेस ले सकते हैं तो ये ओवरऑल बनता है अब मैं आ गया हूँ जी जिस जगह का नाम है भामरा इंटरचेंज और इस भामरा इंटरचेंज से अगर आप सीधी साइड पर जाते हैं कश्मीर हाईवे कंटिन्यू करते हैं तो यू विल रीच द न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सीधी साइड पर जाकर अगर आप इंटरचेंज से आउट होते हैं तो आप एम वन मोटरवे और लेफ्ट साइड पर जाते हैं तो आप लाहौर मोटरवे पर चढ़ जाते हैं जहाँ से आपको ईजी एक्सेस मिलता है बाकी आगे मोटरवे का जो डिस्टेंस है प्लस टॉल प्लाजा से आगे जो डिस्टेंस बनता है वो वीडियो में आगे जाकर एक्सप्लेन करता हूँ वक्त तौर पर मैं आपको गूगल अर्थ लोकेशन पर मैं ये करके दिखाता हूँ कि इस वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी का डिस्टेंस फ्रॉम द मेन जीरो पॉइंट इंटरचेंज का डिस्टेंस कितना बनता है और इंटरचेंज का टाइम फ्रेम कितना लगता है इस वीडियो की मदद से लेट से आप इट सेल्फ अपनी मर्जी पर अपने ओन पे अगर ट्रैवल करते हैं फ्रॉम जीरो पॉइंट टू कैपिटल स्मार्ट सिटी इंटरचेंज जो भी टेंप्ररी एक्सेस है तो आपको टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा और इसके साथ साथ टाइम के साथ साथ आपको रूट कौन सा इस्तेमाल करना जो सबसे फीजिबल बनता है या मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप देखते ना कि जीरो से डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू तो जीरो पॉइंट से डी ए टू एंड डी एच ए तकरीबन ना ना करते हुए एक घंटे के सफर पे हैं इवन दो डिस्टेंस उनका ट्वेंटी एट किलोमीटर के दरमियान बनता है जीरो पॉइंट से लेकिन आपको घंटे का टाइम इसलिए चाहिए कि इस्लाबाद हाईवे गुलबर ग्रीन से आगे कम्यूट करना नियर टू तो इंपॉसिबल है क्योंकि बंपर टू तो बंपर जब गाड़ी होती है रात को शाम को जब जैम पैक हुआ होता है तो उस वक्त आप ट्रैवल नहीं कर सकते तो यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कैपिटल स्मार्ट सिटी इंटरचेंज 25 मिनट में एक्सेस ले सकते हैं और डी एच ए टू डी एच ए फाइव एक्सेस लेने के लिए आपको एक घंटे का टाइम चाहिए एक घंटे के टाइम से मुराद है कि डी एच ए टू में लेट से प्लॉट है पाँच करोड़ का कनाल तो पाँच करोड़ का प्लॉट आपको जो पड़ता है अगर पर मरला कॉस्ट देखें यानी कि अगर फाइव करोड़ डिवाइड बाई अगर आप ट्वेंटी करें तो आपके पास पर मरला कॉस्ट तकरीबन आ जाती है आपकी लट से जी ट्वेंट टी फाइव लाख रुपीज़ पर मरला अप्रोसीमेट और यहाँ पे आपको कनाल का प्लॉट है इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडिंग एवरीथिंग प्रॉफिट मिला के सब कुछ आपको कनाल का प्लॉट जो कॉस्ट करता है अराउंड वन करोड़ कॉस्ट करता है तो आपको यहाँ पर प्लॉट पड़ रहा है वो पड़ रहा है पाँच लाख पर मरला और डी एच में जहाँ पर एक घंटे के ड्राइव पर है आपका तो वहाँ प्लॉट पड़ता है आपको पच्चीस लाख पर मरला हाँ ये बात काबिल जिक्र ज़रूर है कि वहाँ पर जो है लाइफ फुली इस वक्त ऑपरेशनल है यहाँ पे लाइफ नहीं है लेकिन फिर भी अगर टाइम कैलकुलेट करें और अगले तीन चार साल पाँच साल का टाइम फ्रेम देखें तो आपको मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा फिजिबल ऑप्शन नहीं मिल सकता फिलहाल फिर फिलहाल मैं कवर करता हूँ कि गूगल अर्थ लोकेशन पर जो एक्चुअल टाइम लगता है वो डिस्टेंस बनता है वो कितना बनता है इस वो इन पर कैपिटल यानी दारकूकमत इस्लाम आबादा का गूगल अर्थ पर जो मैप है वो देख सकते हैं और गूगल अर्थ से मैं अभी कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ मैयर करने की कि ओवरऑल आपको डिस्टेंस कितना रिक्वायर्ड है डिस्टेंस कितना आपको लगता है और उसके में आपको टाइम कितना लगता है ये इस वक्त जीरो पॉइंट है और जीरो से अगर आप कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे पर ट्रैवल करते हैं तो आपको टोटल टाइम तो मैंने बता दिया आपको वो आगे मैं मेरी भी कर देता हूँ अच्छा जी ये आ गया आपका इस पॉइंट तक अराउंड थर्टीन पॉइंट नाइन किलोमीटर्स और इस पॉइंट से पर आगे, आगे ट्रेवल करते हैं ये हो गया एटीन इस्लाम आबाद एटीन इस्लाम आबाद एटीन किलोमीटर दूर है जीरो पॉइंट से और एटीन इस्लाम की लोकेशन एज़ कम्पेयर टू बाकियों के यानी इवन दो डी एच वगैरह से भी बेहतर बनती है फ्राम द सेंटर जीरो पॉइंट और डी एच वाली लोकेशन में बाद में मेरे कर दूंगा लेकिन ओवरऑल अगर मेजरमेंट देखें इसकी एम टू मोटरवे से तो आपको जीरो पॉइंट से एम टू मोटर पे आने के लिए जो टोटल डिस्टेंस रिक्वायर्ड है दैट इज़ ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स एट किलोमीटर्स जो कि एवरेजली आप तकरीबन अगर लट से आप गाड़ी हंड्रेड की स्पीड पर चलाते हैं जो नॉर्मल स्पीड है कश्मीर हाईवे श्रीनगर हाईवे पे तो आपको एवरेज टाइम जो रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ अराउंड अगर आप वन की स्पीड में चलाते हैं वो तो सिंपल सी बात आप दस मिनट पहुँच जाएंगे तो अगर आप लट से जी कैलकुलेट करें ट्वेंटी किलोमीटर का पर मिनट डिस्टेंस तो आप लट से जी साठ की स्पीड पर जाते हैं तो इक्कीस मिनट और हंड्रेड की स्पीड पर जाते हैं तो आपका तकरीबन अराउंड Uh, कह लें कि दस से बारह मिनट का डिस्टेंस बनता है मगर आगे कंटिन्यू करते हैं कैपिटल स्मार्ट इट की तरफ जीरो पॉइंट्स अगर आप देखें तो ये पॉइंट आपका जाता है ठलिया इंटरचेंज और ठलिया इंटरचेंज जो है।, थलिया है, थलिया है आपका अप्रोसीमेट तकरीबन ट्वेंटी एट किलोमीटर का बनता है ट्वेंटी एट किलोमीटर का डिस्टेंस ठलिया इंटरचेंज के है और ठलिया इंटरचेंज से एग्जैक्ट सात से आठ किलोमीटर आके कैपिटल स्मार्ट का इंटरचेंज बनता है आपका एग्जैक्ट थर्टी सिक्स पॉइंट एट जीरो किलोमीटर मैं ज़रा मैप को आउट कर दूँ ताकि आप लोगों को ज़रा चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएँ एग्जैक्ट तकरीबन ये गूगल पे लोकेशन मैंशन है डिस्टेंस आपका थर्टी एट पॉइंट 36.80 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है जीरो पॉइंट से तो अगर आप 36.80 को कैलकुलेट भी करें तो अगर आप 100 की स्पीड पर जाएँ तकरीबन तो आपका 25 मिनट से ज़्यादा का टाइम फ्रेम नहीं लग सकता मैंने एक दिन कैलकुलेट भी किया था तो आपको ये नॉर्मल स्पीड अगर नॉर्मल स्पीड पर जाते हैं इस्लामाबाद के अंदर मोटरवे स्पीड लिमिट चूँकि वन ट्वेंटी है और कश्मीर हाईवे तक तो वन ट्वेंटी की स्पीड लिमिट है तो अगर आप नॉर्मल स्पीड से भी जाएँ तो आपको यहाँ पर पहुँचने के लिए बीस से पच्चीस मिनट का डिस्टेंस रिक्वायर्ड है इससे ज़्यादा डिस्टेंस या टाइम रिक्वायर्ड नहीं है आपको तो ये है कैप्टल स्मार्टी की लोकेशन की खूबसूरती क्योंकि पाकिस्तान की सबसे फ्लैगशिप रोड पे है और सबसे फ्लैगशिप रोड होने का मतलब ही ये है कि आप पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन जो रोड है उस पर एक्सेस ले रहे हैं एंड विदाउट एनी हसल विदाउट एनी डिफिकल्टी आपको ये एक्सेस मिल रही है तो ये 38.6 किलोमीटर का डिस्टेंस 36.80 किलोमीटर का डिस्टेंस आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता और आप चूंकि इस्लाबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास प्रेमिसज में है ये न्यू इस्लाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मैं इसका भी डिस्टेंस मेर कर देता हूँ ताकि जो जम्बर्स अक्सर हमसे पूछते हैं कि न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डिस्टेंस कितना कितना डिस्टेंस बनता है फॉर एक्जाम्पल ये न्यूज़ इस्लाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मैं इससे भी कवर करके दिखा देता हूँ न्यू इस्लाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तकरीबन आपका 13.34 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है और वो एम टू मोटरवे पे तो इजीली ये वाला डिस्टेंस जो है तकरीबन छः से सात मिनट में ट्रैवल कर सकते हैं इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल अंडर टेन मिनट्स आप न्यू इस्लाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँच सकते हैं तो ये सबसे फीज़बल बात बनती है लोकेशन की बाकी मैं चीज़ें आपको वीडियो में आगे जाकर एक्सप्लेन करता हूँ अगेन बैक टू एल्ल टाइम अपनी स्क्रीन पर दोबारा ठलिया इंटरचेंज से आगे का देख सकते हैं कि ठलिया है, इंटरचेंज तक पहुँचने के लिए आपको जो मैंने डिस्टेंस और टाइम सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया बाकी आपको सेंटर पॉइंट से टेंटर डाउन टाउन से इस्लाबाद की लोकेशन का भी आइडिया हो गया होगा कि अगर आप लड से कैपिटल स्मार्ट टू एक्सेस करते हैं किसी भी ब्रांडेड सोइाइडी से कम्पेयर करते हैं तो डिस्टेंस डेफिनेटली इसका थर्टी सिक्स थर्टी सेवन किलोमीटर कम डिस्टेंस नहीं है बट ऑन दर साइड इतने ज़्यादा फ्लैगिपिप रोड भी आपको किसी और साइड पर नहीं मिलते जैसे इस्लाबाद एक्सप्रेस वे पर डी एच ए टू डी एच ए फाइव मौजूद है गुलबा ग्रीनज मजूद है तो उनकी आप मरला कॉस्ट तो पच्चीस से तीस लाख पर मरला कॉस्ट आपको वहां पड़ती है जीरो पॉइंट से बिल्कुल नजदीक डिस्टेंस पर आपका एफ सिक्स एफ सेवन ई सिक्स ई सेवन बनता है तो वहां पर आपको पर मरला कॉस्ट जो है तकरीबन ढाई करोड़ तक जाकर पड़ती है क्योंकि वो बिल्कुल नियर बाई डिस्टेंस पे हैं चार से पांच किलोमीटर की डोमेन में है तो वहां पर आपको पर मरला कॉस्ट जाकर ढाई से तीन करोड़ की पड़ती है एवरेज कॉस्ट कनाल की कॉस्ट जो प्लॉट है आपका वो पच्चीस से तीस करोड़ का प्लॉट आपका बनता है तो डेढ़ करोड़ से स्टार्ट होती है पर मरला कॉस्ट और जाती है अप टू तीन करोड़ साढ़े तीन करोड़ प्लॉट की कॉस्ट बनती है तो जीरो पॉइंट से अगर डिस्टेंस देखा जाए तो कैपिटल स्मार्टी के का ओवरऑल डिस्टेंस जो है वो थर्टी सिक्स पॉइंट एट जीरो किलोमीटर है टाइम आपको पच्चीस मिनट का लगता है और ये फ्यूचर में भी टाइम में पाँच से सात मिनट की ऊंच नीच हो सकती है डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग कि आप किस वक्त ट्रैवल करें ऑफिस आवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं इवनिंग में ट्रैवल कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल कर रहे हैं या जो भी सूरत हाल है लेकिन फ्यूचर में आपको इससे ज़्यादा अच्छी लोकेशन नहीं मिल सकती अगर आपको प्रोडक्ट मिल रही हो पाँच लाख पर मरला के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्रोडक्ट बनती है ये है कैपिटल स्मार्टी की खास बात कि उन्होंने ऑलरेडी कैपिटल स्मार्ट इंटरचेंज अप्रूवल के लिए रख लिया है यानी करवा लिया अप्रूवल और टेम्प्री एक्सेस भी कैपिटल स्मार्ट सिटी की आज के डेट में फिजिकल मौजूद है अगर आप साइट पर विजिट करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर एक्सेस के लिए कोई ज्यादा डिफिकल्टी पेश नहीं आती अगर आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट से उसके इंटरचेंज के लिए आपको जो एक पास मिलता है टैंपरी एक्सेस से गुजरने का वो आप पास अगर रिसीव कर लेते हैं तो आपको स्मार्ट सिटी की तरफ से कोई इस तरह की डिफिकल्टी पेश नहीं आती सो व्यूअर्स दिस वाज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको कैपिटल स्मार्ट लाहौर स्मार्ट बुकिंग के वाले कुछ मालूम चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर रबा करें इसके लिए हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज